हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रतिभा रावत फैमिली ब्लॉग्स। तो आज है डे 3 हमारा चंडीगढ़ में और आज ही हमारा चेकआउट डे भी है, लेकिन आज हम कल जैसे बहुत बिजी हो गए थे ना, टाइम इतना नहीं मिला, थोड़ा हिल स्टेशन की तरफ चले गए थे, तो यहाँ अपना मेन चंडीगढ़ में थोड़ा सा घूमना रह गया था। तो बस आज हमने चेकआउट भी कर लिया होटल से, लेकिन अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर सुखना लेक पर। तो सुखना लेक घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि सुखना लेक और रॉक गार्डन तो मुझे घूमना ही था, तो बस हम फटाफट से देखते हैं यहाँ पे। रॉक गार्डन भी वैसे थोड़ा सा कल बाहर से देख लिया था, लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर आज टाइम लगता है तो देख लेंगे, अदरवाइज़ अभी हम सुखना लेक में और ये देखते हैं। तो चलिए और अभी देखते हैं, लेक साइड हम जाते हैं और यहाँ पे राइड्स भी हैं बच्चों की, तो वो सारी भी हम देखते हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ का सुखना लेक कैसा है चंडीगढ़ का। तो यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे ना सुखना लेक में ये पूरा खाने वाली जगह है, तो यहाँ पे बड़े सारी वो है ना, ये देखिए जैसे कि गोलगप्पा, टिक्की, चाट, कचौड़ी वगैरह, ये सारा है, केक स्टूडियो, सारी शॉप्स है, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए भीड़ बहुत हो गई अभी सुबह सुबह। तो ये देखिए अब हम सुखना लेक की तरफ आ गए हैं, ये है पूरी सुखना लेक, ये देखिए लोग बोटिंग कर रहे हैं ना, ये देखिए वाओ। शाम को ना ये इसका टाइमिंग से सुबह वही 9 बजे से और शाम 5 बजे तक, 5-6 बजे, 6 बजे मतलब 5 ही लगा लो, 6 बजे ओवर हो जाता है, तो जिसकी वजह से टाइम शाम का निकल जाता है, या तो फिर एक दिन इन्हीं ही निकले रखो। पर अब हम देखते हैं थोड़ा सा ना शेड वाली लेंगे बोटिंग का टाइम, क्योंकि अभी यहाँ पे बज रहे हैं शायद 12, और दिन में ना बोटिंग का थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन हम ये शेड वाली लेंगे तो आ ही जाएगा मज़ा। वाओ, बड़ी दूर तक है ये, देखो है ना, चंडीगढ़ की सुखना लेक, वेरी नाइस। और ये देखो कितनी वेटिंग है ना अभी यहाँ पर, कितने बंदे हैं ये देखिए। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है डेस्टिनी क्रूज एट सुखना लेक, पर पर्सन ₹350 फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर के लिए चार्जेस हैं, ये देखिए। और यहाँ पर से अभी हम जाएंगे स्टेयर से इस तरफ। आपको बोटिंग करनी है, कैची करनी है, करके बताओ, ऐसी ऐसी, ये तो बहुत एक्साइटेड है इसको बोटिंग करने के। देखिए ये क्रूज़ है, ये यहाँ पे सारे लोग ये देख रहे हैं, पूरे क्रूज में बैठे हैं, ये यहाँ पे बोटिंग, ये देखिए पैडल वाली वो है, ये देखिए सब बहुत वेटिंग है यहाँ का। एक्चुअली में क्या है, सुखना लेक का पूरा प्रोसीजर ये चीज़ है कि यहाँ पे ना कार्ड बनता है, और कार्ड ना ऑनलाइन पेमेंट भी है और कैश भी है, लेकिन यहाँ पे क्या सीन है कि अगर आप टिकट लेते हैं, जैसे आपको नॉर्मल टिकट चाहिए तो 4 सीटर करके भी है पर्सन की, 4 पर्सन की, तो वो आपको बोट मिलेगी जिसमें आपको पैडल से खुद ही करना है, और एक आपको मिलेगा वो क्रूज़ वाला जो 450 पर पर्सन है, तो उसमें बड़े मतलब 30 पर्सन होंगे बैठे हुए, ठीक है। और पैडल वाली में तो आपको खुद से ही चलाना है, तो वो शेडेड वाली जो है, पैडल वाली, तो उसमें ना उसमें 4 सीटर हो जा रही है, तो वो 500 में आ जा रही है, और यहाँ पे अगर आपको शेडेड वाली और ये क्रूज़ जैसा चाहिए तो यहाँ पे 450 पर पर्सन है, तो इस तरीके से है, और पूरा अभी वेटिंग भी है। और तब तक दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको जैसे ₹500 पैडल वाले में 4 सीटर का है, 4 पर्सन का है, तो लेकिन अगर ₹500 तब रिफंड होगी जब आप आधे घंटे का टाइम है अगर आपने बोट अपनी वापस लगा दी तो आपको 500 रिफंड होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे, तो ये पूरा प्रोसीजर है। और ये देखिए भीड़ देखिए यहाँ पे कितनी लगी है, ठीक है, मज़े हैं, इन्जॉय करना चाहिए जैसे जैसे। और अब बच्चों के साथ हैं तो आपको बताइए, अभी उनको झूले भी दिख गए तो अभी भी उनको झूले करवाते हैं जरा से, ठीक है, तो चलिए अभी मिलते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ खाने पीने के लिए ना सब कार्ड बनता है, सारा कार्ड सिस्टम है कि मतलब हर एक काउंटर पर अगर आपको जाना है आइसक्रीम का, मॉममेट का, जो भी है, तो वहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि कार्ड बनाना है और कार्ड से ही लेना है। देखिए जैसे लाइन लगी हुई है बोटिंग, शिकारा, क्रूज, सारा प्रोसीजर यहाँ पे देखा। और यहाँ देखिए अभी हम बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा भटिंडा अम्यूजमेंट पार्क है, कॉम्बो विद राइड्स, येरी पूरी कॉम्बो विद राइड्स, और ये सारा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बच्चों को वहीं लेके जा रहे हैं, ये देखिए राइड्स का पूरा दे रखा है, मोनो रेल 200 और 3 मिनट, ये पूरा हेलो ये देखिए
क्योंकि अभी हमने इन लोगों का ना ये वाले स्विंग्स ये वाला करवाने के लिए इनको रेडी किया हुआ है, ये इसके लिए बड़े बेताब हैं। हाँ तो ये देखिए, इसमें तो अभी भैया ने बोला है कि ये बच्चों के लिए थोड़ा सेफ नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो अभी एरोप्लेन वाला करेंगे बच्चों के दोनों के लिए ना, एरोप्लेन वाला सही है, तो अभी इनको ये वाली राइड करवाएंगे। ये देखिए इनके एरोप्लेन उड़ चुके हैं और ये इतने इनके बड़े पीछे पड़ी थी मम्मा, आप तो कह रही थी चंडीगढ़ में ये आप मुझे झुलवाओगे ये करवाओगे। तो बस अब इनकी एक राइड अभी पूरी हुई और हम इनकी ट्रेन स्टार्ट हो गई है। देखो शानू हेलो, ट्रेन में चल बैठ के बैठ गए हैं दोनों। वहाँ उन्हें लग रहा था कि ना वहाँ अलग अलग उसमें बैठे थे, लेकिन अब इनको यहाँ पे दोनों साथ जाके बैठ गए। वाह ये देखो कार राइड, अरे वाह वेरी नाइस। ये देखो अरे वाह, बचपन याद आ जाता है, वैसे करने का मन करने लग जाता है। बहुत अच्छी अच्छी राइड्स है वैसे यहाँ पे कार राइड। बुल भी है, वेरी नाइस, बाय बाय शानू, बाय। अरे यार विक्रम जी आपको ना बुल करनी चाहिए, बुल पे कितनी देर बैठ सकते हो। ये देखिए अब इनकी ये थर्ड राइड शुरू हो चुकी है ये वाली, आइए ये वाली राइड करेंगे। अरे शानू तो भले मजे कर रही है, शानू हैप्पी, आ बाय। कितना मजा आया दोनों को, बहुत मजा। कितने शानू कौन सा सबसे बेस्ट था है अश्विक, किस में मजा आया समय? अब हैप्पी हो आप दोनों? अच्छा करोगे आप दोनों, अब दोनों आप क्या करोगे? वोटिंग किसके साथ? अच्छा पापा के साथ। ये दिया उन्होंने स्लिप, तो ये देखिए बोटिंग में ये जा रहे हैं अभी फिलहाल, ये बोटिंग करेंगे बच्चों के साथ, एक्चुअली में पैडल बोटिंग करनी है ना। ये देखिए ये अभी इन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन ली हैं, अरे यही ये साइज ही यही रखे है ना, साइज ऐसे ही रखे हुए हैं बड़े बड़े, यही होता हाँ यही रखे हैं। केतन की बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शानू सीधा बैठो, बाय बाय बाय। कितने प्यारे प्यारे स्केचेस बन गए हैं यहाँ पे, ये बहुत ब्यूटीफुल स्केचेस बना रहे हैं और यहाँ पे वही है 500 चार्जेज है स्केचेस के, सिंगल के भी और डबल के, कपल के 1000 है। ये देखिए कपल स्केच, भैया बना रहे हैं स्केचेस बना रहे हैं। ये बोट हाउस कैफे है साइड, मोमेड रेस्टोरेंट एंड पब पूरा है यहाँ, खाने पीने का पूरा फैसिलिटी है यहाँ पे। ये देखिए BMW बाइक मस्त। चलिए देखते हैं इन्होंने बोटिंग में कहाँ तक पहुँचे। हमारे आ गए दो शेर, क्या करा तुम दोनों ने बता, बोटिंग कर लो, मजा आया, कितना मजा आया? ओ तो वाटर में खेल लिया ना। अच्छा पहले बताओ वाटर कौन से कलर का था?
किसके? और ये देखो ये दो जवान भी आ गए बोटिंग करके। कितना थके क्या? मजा आया? ये देखो ये पूरी पार्टी बोटिंग करके आ चुकी है, इन लोगों ने बहुत मस्ती करी है। तो चलो अब हम आगे देखते क्या करते हैं। बीबी मम्मा मैं आपको वहां पे हाय करा मेरी। अरे मैं ना इधर आ गई थी बाबू। तो ये देखिए अब इन बच्चों की मस्ती शुरू हो गई कि इनको जल्दी जल्दी अब केक खाने को मिलेगा। तो इनका डांस देखो। और ये अभी बर्थडे सेलिब्रेशन दीदी का स्टार्ट हो चुका है। केक फटाफट से केक कटिंग चली और जिसकी वजह से मतलब बच्चों को भी ना फटाफट से केक खाने को जो एक्साइटमेंट थी ना उनकी वो पूरी हुई। और ये देखो तो बस अब फटाफट से सबने केक खाया। और ये देखिए बच्चे तो इसीलिए बैठे होते हैं कि जल्दी से इनको केक खाने को मिले। और शानू तो बिग माँ जल्दी से केक खिलाओ क्योंकि वेट कर रही थी कि ना मैं जल्दी से फिर ना ये जो केक है ना उसके ऊपर से चॉकलेट निकाल के दोनों दोनों खाएं। और सारे बच्चे ऐसे ही इन्जॉय कर रहे थे। इनके तो बस मज़े होते हैं कि केक मिलेगा और साथ ही हम लोग ने भी थोड़ा इन्जॉय कर लिया। तो हमने कहा थोड़ी मस्ती तो बनती है तो बस यही सब करने लगे। एंड फाइनली दीदी एंड जीजू अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है तो साथ साथ थोड़ा सा इंजॉय भी कर रहे हैं। तो बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है और केक कटिंग भी हो चुकी है। और ये देखिए सब केक खाने में भी मस्त हो रखे हैं। हाँ ये मिठू का मिठू ना ये देखो ये कैसे खा रही है। क्या खा रहा है शाना? कौन सा केक? चोको। सब चोको केक एंजॉय कर रहे हैं।